हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल अजर टेक इन हिंदी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स मोबाइल के अंदर आप अपने फ़ोटो एंड वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं। कई बार आपको जरूरत रहती है अपने फ़ोटो एंड वीडियो ऐड करने के लिए। अगर आपके पास इन्फिनिक्स का 08 आई का डिवाइस भी हो तो आप उसके अंदर भी इसे कर सकते हैं। तो वीडियो में बस सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपने फ़ोटो एंड वीडियो को हाइड कर सकते हैं। वो आपको बहुत ज़रूरी रहता है। आपके बहुत सारे फ़ोटो वीडियो ऐसे होते हैं जो आपको किसी को दिखाने होते हैं और किसी को दिखाने के लिए नहीं होते हैं। तो आपको वो फ़ोटो एंड वीडियो हाइड करने के लिए सबसे पहले चलना होता है अपने फ़ोन मास्टर में। तो सिंपली हम अपने फ़ोन मास्टर में आ जाएंगे और ये फ़ोन मास्टर आपको केवल इन्फिनिक्स के फ़ोन में देखने के लिए मिलता है, अदर किसी डिवाइस में देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ से आप जैसे ही अपने फ़ोन मास्टर में आ जाएंगे तो यहाँ से आपको अपने ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करनी है हमें अपने फ़ोटो एंड वीडियो हाइड करनी है वो कैसे करनी है। तो सिंपली यहाँ से आपको ये तीन ऑप्शन मिलते हैं, होम, टूल बॉक्स, मी। तो यहाँ से आप टूल बॉक्स पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप टूल बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने मिलता है एक्स हाइड। एक्स हाइड का जो ऑप्शन मिलता है सिंपली हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे एक्स हाइड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये वेरीफाई फिंगरप्रिंट एंड अपना इंटर पासवर्ड मांगेगा। आप अगर पहली बार जा रहे हैं तो यहाँ से आपको एक पासवर्ड सेट कर लेना है। अगर आप यहाँ पहली बार नहीं जा रहे हैं, अगर आपने पहले ही कोई अपनी फोटो या वीडियो हाइड करेंगे तब आपसे यहाँ पासवर्ड मांगेगा जो आपने पहले डाला होगा। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो नहीं मांगेगा आपसे। तो मैंने पहले भी अपने फोटो वीडियो हाइड किए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बता दूँ, इसलिए मुझसे ये पासवर्ड मांग रहा है। तो सिंपली हम इसे अनलॉक कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं आप अपने पैटर्न डालने के बाद इसे अनलॉक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है पिक्चर, वीडियोज, रिकॉर्डिंग। यहाँ से आपको जो भी करना है इन्हें हाइड कर सकते हैं। तो सिंपली हम सबसे पहले पिक्चर पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है प्राइवेट एल्बम में 0। यहाँ से आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ आपको एक प्लस का आइकॉन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे हम। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, इस पर क्लिक कर लेंगे ऊपर वाले पे। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं आपके जो फोटो वीडियो होंगे सारे आप यहीं से इसे कर सकते हैं। सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे, यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरे लगभग 15-16 फोटोज़ हैं जो आप यहाँ से इन्हें और वीडियो भी इसी में है हमारी जिन्हें आप हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको ये तीन सेलेक्ट करके बता देता हूँ। ये तीन मैंने सेलेक्ट कर लिए और इसे यहाँ से हम इसे कर देंगे कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं प्राइवेट एल्बम में जाएंगे, यहाँ से आपकी आ गई हैं। इस पर क्लिक करेंगे और प्राइवेट एल्बम में आपके तीन वीडियो या फोटो आ गई हैं। इस प्रकार से आप अपने फोटो एंड वीडियो को हाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको गैलरी में देखने के लिए नहीं मिलती है ये। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, आपके गैलरी में ये कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलती है। इस पर क्लिक करेंगे आप, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं एल्बम पर जाकर देख सकते हैं आप हमारे। देखो 12 रह गए हमारे फ़ोन के अंदर, जो हमारे 3 हाइड कर दिए हमने, 15 थे हमारे फ़ोन के अंदर, 3 हाइड कर दिए। अब आपको कहीं भी देखने के, अब बात आती है हमने जो हाइड किए आपको वापस से कैसे लाना है, उन्हें फ्यूचर का भी जरूरत पड़ती है हमें अनहाइड करनी है तो कैसे कर सकते हैं। तो अनहाइड करने के लिए आपको वापस से वहीं जाना है, अपनी एक्स हाइड में फ़ोन मास्टर में जाएंगे, टूल बॉक्स में जाएंगे और एक्स हाइड पर क्लिक करेंगे और अपना वो पैटर्न डाल देंगे। जैसे ही पैटर्न डाल देंगे फिर पिक्चर पर क्लिक करेंगे हम। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने एल्बम पर क्लिक करें, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे 3 फोटो वीडियो हैं। अब इन्हें वापस से अनहाइड करना है तो इन्हें अनहाइड करने के लिए आप इन्हें सेलेक्ट करेंगे। इनको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, तीनों को इन्होंने सेलेक्ट कर लिया। हमने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको एक कोने में ऑप्शन देने को मिलता है एक्सपोर्ट, आपको दिख रहा होगा। सिंपली ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्सपोर्ट। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो वीडियो यहाँ कोई भी नहीं है, ये हमारे हो गए हैं अनहाइड। आप देख सकते हैं प्राइवेट एल्बम में 0। अब मैं आपको चेक कराते हैं हमारे गैलरी में शो हो रहे होंगे। यहाँ पर गैलरी पर क्लिक किया, एल्बम पर क्लिक करें, यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे अभी 12 थे, 3 वो हमारे आ गए। इस प्रकार से यहाँ 15 हो चुके हैं हमारे। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने फोटो एंड वीडियो को हाइड और अनहाइड करा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।